फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। 26 मई 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिस मुझे मौसूल हुआ है। लायर्स वाइस ऐसा कोई पार्टी है जिसने अर्चना शर्मा को अपना वकील बना करके दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने रिट पिटीशन दाखिल की है, और उसमें इब्तदाई तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, इन लोगों को जो है उन्होंने पार्टी बनाया है। इसके अलावा मज़ीद उन्होंने 22 लोगों को पार्टी क्यों ना बनाया जाए, कोर्ट में उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की है तो कोर्ट की तरफ से नोटिस मौसूल हुई। 2019 में निहाल साहब की बरसी के मौके पर हमने अपनी सभा के अंदर ये बात कही थी। मालेगांव में एक घटना हुई थी, रिजवान सर के घर पर रात के 2:30 बजे फायरिंग की गई थी, और उस फायरिंग के ताल्लुक से उसी बैकग्राउंड और पस मंज़र में मुझे जो बात कहनी थी मैंने कही थी कि मालेगांव पुलिस जो है इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इस वारदात को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें तलाश करके कानून के दायरे में ला करके उनको सज़ा दी जाए। और बात यह है कि शहर में अमन व अमान कैसे कायम होगा, और अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की हरकत करता है कि घर पर चढ़ कर के आए और घर पर फायरिंग की जाए तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मेरे भाषण से ऐसे एक दो जुमले उठा करके उसे मिस कोट करते हुए ये बताने की कोशिश की गई है जानबूझ करके कि मैंने मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करने के लिए यह भाषण दिया है, जबकि मेरे इस भाषण का ताल्लुक जो है मालेगांव की एक ख़ास वारदात से मुतालिक था। इस सिलसिले के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट से जो नोटिस आई है मैंने अपने वकील सुनील रंकावत साहब से जो है नोटिस बता करके सलाह मशवरा किया है। अभी वहाँ पर जो है गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, जिस वक्त कोर्ट चालू होगा उस वक्त हम वहाँ वकील करके इस सिलसिले में अपना एफिडेविट दाखिल करके हम अपना मौकिफ़ रखेंगे।